नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में, और यहाँ पर आज जो है ये देख सकते हैं आप, सकल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, और लगभग 6 स्कूलों के बच्चे जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें अलग अलग केंद्रीय विद्यालय हैं हिमाचल प्रदेश के। तो बने रहिएगा वीडियो में, तक यदि चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। इस कला उत्सव में जो है डीसी हमीरपुर भी जो है पहुँचे हुए हैं, देख सकते हैं आप मेरे पीछे एक अध्यापक जो है स्कूल के बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। और आइए अब आपको वापिस से लिए चलते हैं। विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री हेमराज वैरवा सर को, वो मंच पे आए और बच्चों को आशीर्वचन दें। विद्यालय हमीरपुर में आसपास के 6 केंद्रीय विद्यालय के बच्चे यहाँ पर आए हैं, और 2 दिन का प्रोग्राम है जी सर, और कॉम्पिटिशन्स आपस में हो रहे हैं। मैं देख रहा था कि आपके जजेस बड़े गौर से प्रोग्राम्स को नोटिस कर रहे हैं, आपकी मार्किंग भी उसी हिसाब से होगी। सो सबसे पहले तो सभी बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, अपना जितना भी बेस्ट
कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ अपना प्रस्तुति दे सकते हैं वो दें। आई गेस कल्चरल के साथ साथ आपके चेस स्पोर्ट्स भी होगा। चेस सर कल को आएंगे। अच्छा, दो तीन चार को चेस सर और अभी सी सी की एक्टिविटी। सो आज कल्चरल है कल चेस है। सो बच्चों को मेरा ये संदेश है कि आप एकदम अपना जितना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगाकर यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकें वैसा परफॉर्मेंस दें। और जजेस से मेरा रिक्वेस्ट होगी कि जो सही में अच्छी परफॉर्मेंस है उसको एकदम बारीकी से आप परखें देखें और उसी हिसाब से टैलेंट को सेलेक्ट करें। यही टैलेंट आगे जाएगा, आगे के लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होंगे, अच्छा टैलेंट सेलेक्ट करेंगे आगे भी हमारे बच्चे आगे और बढ़ के निकलेंगे। बड़ा शॉर्ट नोटिस पर ये शेड्यूल हुआ है यहाँ पर आना, बट एनीवेज बच्चों के साथ आकर उनसे बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना अपने आप में एक अलग अनुभूति का मौका देता है और मुझे ज़रूर इस चीज़ से रहेगा कि मैं आपके साथ ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा। और जो कार्य हैं उनको मैंने काम पूरा करना है, लेकिन आप लोग यहाँ पर अच्छे से आई एम श्योर कि आपका जो रहना खाना पीना है वो स्कूल मैनेजमेंट द्वारा ठीक तरीके से हैंडल किया जा रहा होगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं दे शुड गो विद गुड मेमोरीज फ्रॉम दिस स्कूल, उनको अच्छा लगे, उनको याद रहे कि हम के वी हमीरपुर एक बार गए थे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम को एकदम परफेक्टली हिट करता है। के वी इसको एक दूसरे तरीके से कोशिश कर रहा है कि आप एक दूसरी लिंग्विस्टिक स्टेट से आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी है, उनके बारे में जानना है सीखना है। तो एक मैं तो चाहूँगा कि एक उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर ना करें और उसके अंदर घुसकर उसकी जानकारी लें और जो टीचर्स हैं वो भी उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाकर बता सकते हैं और समझा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि दैट विल बी अ बेटर वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड अंडर द थीम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, आपके पार्टी इवेंट्स भी यहाँ पर शेड्यूल्ड होंगे। सो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट और अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दें। थैंक यू सर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बच्चों की तरफ से पूरे केंद्रीय विद्यालय के संगठन से कि आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से जो है समय निकाला बच्चों को यहाँ पर आप बता दें और हमारे साथ जो है आप लंच करेंगे उसके लिए बहुत बहुत आभार। रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल सर टू प्रेजेंट a token of love from Kendriya Vidyalaya Hamirpur. Thank you. अभी आप देख सकते हैं डीसी साहब जो यहाँ पर लंच कर रहे हैं और कुछ एक बच्चों को बुलाया गया जो उनके टीम लीडर है। देख सकते हैं आप बच्चों के लिए जो है लंच का यहाँ पर काफ़ी हेल्दी जो लंच यहाँ पे प्रिपेयर किए गए, राइस बनाए गए हैं और ये बूंदी का रायता है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप दाल मखनी बनाई गई है बच्चों के लिए और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मटर पनीर बनाया गया है और ये मिक्स वेज है और यहाँ पर जो है उनके लिए परांठा बनाया गया और साथ में जो है बदाने का मीठा या बूंदी का मीठा जिसे बोलते हैं। और ये पीछे जो है हमारे सारे बोटी जो है यहाँ के लोकल जो लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप बच्चे जितने भी पार्टिसिपेंट आए हुए हैं अब वो भी जो है लंच का एंजॉय कर रहे हैं। लगभग 350 बच्चा जो है इस इवेंट में जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में। खाना भी खाओ, लंच को मेमोरेबल बनाओ अपना। आप अपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये किधर पड़ा से हुआ आम रोड से तरफ जाता कांगड़ा में जी। नाम क्या बताया? आप बेटा बंगाना। नाम क्या है? यज्ञान। यज्ञान आप आए थे जिस दिन? नाम क्या
तो ऊपर लेके आ रहा हूँ क्योंकि उस केवी में मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे ना ज्वालामुखी के आए नादौन वाले तो कुछ बैठ के जा रहे हैं स्लो कौन है स्लो कर ही आए ना अभी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नरलेटी के बच्चे जो है आफ्टर परफॉर्मेंस बच्चों को भूख भी लगती है और पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है और इनको जो है तय समय पर जो है लंच करवाया जा रहा है। अभी पूछते हैं इनसे किस तरह के इवेंट्स जो है स्कूल में होने से जो है बच्चों की डेवलपमेंट में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। बेटा आपका नाम? इशिता शर्मा। इशिता कौन सी क्लास में बेटा आप? ओके और कौन सी स्ट्रीम है आपकी? मेडिकल नॉन कॉमर्स में। आपको जो ये इवेंट हो रहे हैं जो एक दूसरे स्टेट के जो कल्चर है उसके बारे में जानने का मौका कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट स्टेट्स के बारे में जानने के बारे में मिला और केरला के बारे में बहुत कल्चरल परफॉर्मेंस हुई जैसे डांस सिंगिंग और क्लासिकल डांस वो बहुत अच्छे थे। ओके बेटा और जो खाने की क्वालिटी है यहाँ पर ठीक बना हुआ है? अच्छा मील है, ब्रेकफास्ट अच्छा है और लंच भी अच्छा है ना। ओके बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं 11th ए। जोर से बोलो जरा। 11th ए। 11th में कौन सा स्ट्रीम है आपका? मेरा साइंस है और मेडिकल है। ओके बेटा कौन से इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट किया आपने यहाँ पर? वोकल ट्रेडिशनल फोक में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ओके बेटा थैंक यू। आप कौन सी क्लास में बेटा? मैं 8th में। 8th में कैसा लग रहा है आपको जो स्कूलों में इस तरह से इवेंट होने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसे होने से जो है आपकी एजुकेशन में और जो ओवरऑल जो बच्चे के डेवलपमेंट होती है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है? बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ। और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिल रहा है अलग अलग स्टेट्स के बारे में, स्पेशली केरला के बारे में हम और ज़्यादा जान रहे हैं कि वो कैसा है। और खाना अच्छा बना है बेटा? ओके थैंक यू। ये केंद्रीय विद्यालय नलेटी की छोटी छोटी बच्चियाँ जो है आफ्टर इवेंट के जो है लंच का एंजॉय कर रही हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको ऐसे इवेंट होने से? आपको क्या मतलब सीखने को मिल रहा है? दूसरे कल्चर के बारे में सीखने को मिल रहा है। ओके बहुत फर्स्ट टाइम आए हैं कि इससे पहले भी ऐसे इवेंट में आपने? फर्स्ट टाइम आए हैं आप? सेकेंड टाइम आए बेटा? आपका क्या नाम है? नियति। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? आपको जो इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इनके होने से आपको क्या लग रहा है कि आपको किस तरह से फायदेमंद है? जो हमारा पेड़ स्टेट केरला है उसके बारे में हमें जानने को मिल रहा है। हाँ। उसके कल्चर के बारे में, उसके हेरिटेज के बारे में जी जी हमें जानने को मिल रहा है। ओके और बेटा और क्या चीज़ें सीखी आपने यहाँ पे इस इवेंट में आकर? अलग अलग टाइप की सिंगिंग सॉन्ग फोक सॉन्ग डांस वगैरह इन सभी मतलब अलग अलग स्टेट्स का कल्चर हमें पता लग रहा है। ओके बेटा और यहाँ पे खाने और रहने का जो अच्छा इंतजाम है कि कोई कमी है तो बता दो, ऐसा कुछ नहीं है? सर बहुत अच्छा है। रिव्यू लेना चाहता हूँ बच्चों के ताकि और लोग भी जान सके कि इस तरह से इवेंट होने से जो है बच्चों की डेवलपमेंट में कितना असर पड़ता है। बेटा आपका क्या नाम है? सर अनन्या। अनन्या कौन सी क्लास में बेटा आप? सर 8th क्लास। आपको जो इवेंट हो रहे हैं आप इससे क्या सीखने को मिला यहाँ से? आप क्या कुछ सीख के जाएंगे इस इवेंट से? सर जो केरला है उसके कल्चर के बारे में सीखने को मिल रहा है। ओके और क्या चीज़ें सीखी बेटा आपने यहाँ पे? उनके कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नयापन है, उनका डांस है और उनकी सिंगिंग है उसी के ऊपर आपने यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस की है। तो देखा आपने जो है बच्चे किस तरह से जो है इंजॉय कर रहे हैं लंच का और साथ में जो है ऐसे इवेंट होने से जो है इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो अब मैं भी लंच की लाइन में लग गया हूँ और लंच करने के बाद जो है आपसे फिर से रूबरू होते हैं। मैं भी लंच का इंजॉय कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप बच्चों के लिए जो है माँ की दाल है, दाल मखनी की तरह इसको बनाया गया है, साथ में मिक्स वेज है, पनीर है, राइस है, सैलड है और रायता है और साथ में रोटी है और मीठे में जो इनके लिए बदाने का मीठा जो हमीरपुर में धाम में बनता है वो बनाया गया है। और देख सकते हैं आप बच्चे आराम से जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने पहुँचे हो और लंच का इंजॉय कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको उन बच्चों से मिलवाता हूँ जो DC हमीरपुर श्री हेमराज भैरवा जी के साथ जो है इन बच्चों ने लंच करने का इनको मौका मिला था और उनके साथ इन्होंने खूब गपशप भी करी और काफ़ी टिप्स ट्रिक्स भी सीखे। अपने अपने स्कूल के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके टीम लीडर बैठे हुए हैं और पूछते हैं इनसे।
बेटा आप कौन से स्कूल से हो? और केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर से हूँ। ओके, और बेटा नाम क्या है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम स्वास्तिका है और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आपको आज बेटा हमारे डीसी हमीरपुर है और उनके साथ जो लंच करने का मौका मिला और काफ़ी आपने उनके साथ बातचीत की, तो आप इस इवेंट को किस तरह से देखते हैं कि बच्चों के लिए ये क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू हैव लंच विद आर रिस्पेक्टेड डीसी सर एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड in his profession okay. and as I also want to be an IAS officer so I feel like it's very proud for me to interact with him. Okay beta, thank you, God bless you and may you have achieved your all future upcoming dreams. Aur abhi main milwata hu beta, aapka kya naam hai? Himanshu, aap kaun si class mein padhte ho? Main class 10th ka chhatra hu. Aapko kaisa laga ye jo event hai kal sab jo yahan par केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में मनाया जा रहा है आज, और आपको इन गतिविधियों से आप किस तरह देखते हैं कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है? इन गतिविधियों से पता लगता है कि बच्चों में कुछ जागरूकता है कुछ गतिविधियों करने की, बच्चों में हौसला है कि वो कर सकते हैं कुछ भी, जी कुछ जी मुश्किल नहीं होता है करना। एक्टिविटीज़ होती है उसमें कई सारे ऐसे होते हैं कि बच्चे डरते हैं, हाँ जी जी, करना नहीं होता, हार जाएंगे ऐसा होगा, तो उसमें हारने का कुछ नहीं होता, बस पार्टिसिपेट करो। मतलब जो बच्चों के अंदर हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, वो इन इवेंट्स से निकलती है और बच्चा जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनको स्टेज मिलते हैं। कुछ करना हो तो उसमें हेल्प होती है। ओके ओके, थैंक यू बेटा। आप कौन से स्कूल से हो बेटा? मैं केवी बंगाना से कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, मेरा नाम यज्ञांशोद है। आज आपको जिलाधीश महोदय के साथ जो है लंच करने का मौका मिला और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे अन्य केवी के विद्यार्थियों के लिए कि इन इवेंट के होने से क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे अभी इन इवेंट्स की वजह से मतलब ना सभी बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर्स को जान सकते हैं जी, और डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका इंटरेस्ट भी आएगा जी जी। अब किसी के कईयों के फ्रेंड्स जीतेंगे तो उनका भी मन करेगा कि हाँ हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम इशिका ठाकुर है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय नादौन से हूँ। कौन सा केंद्रीय विद्यालय? नादौन। नादौन से। बेटा आप इन इवेंट्स को लेकर क्या अपने आने वाले जो आपके अपकमिंग जो बच्चे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी वो भी ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लें? सबसे पहले तो मुझे डीसी सर के साथ लंच करने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड एक पर्सन है जी, तो जी। उनके साथ मुझे लंच करने में बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स दी और मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ तो मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें बताई जैसे जो एडोलेसेंट एज होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो भटक जाते हैं कभी कभी जी जी। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे नहीं भटकना है इन चीज़ों से और कैसे हम खुद जागरूक होकर लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। थैंक यू बेटा एंड बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग फ्यूचर। और बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम स्वाति है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और कौन सा केवी है आपका? मैं केंद्रीय विद्यालय नलेटी से हूं। नलेटी से। बेटा आपने आपका जो कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी सुंदर जो आपने पहना हुआ है और आपने इवेंट में भी काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेट किया और अभी आपको डीसी महोदय हमीरपुर के हैं उनके साथ जो लंच करने का मौका मिला और काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप अपने आने वाले जो आपके अपकमिंग जो छात्र हैं या छात्राएं हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी ऐसे कार्यक्रमों में जो बढ़ चढ़ कर जो भाग लें? सर पहले तो ये कि मेरे को बहुत गर्व प्राउड फील हुआ कि मैं सर से मिली यहाँ पे आके, जो कि इतना मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं सर से मिलूँगी यहाँ पे। जी जी। फिर जो है बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, उनसे इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके जिसलिए उनको उसमें एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है जी बेटा, और अलग अलग जगह जाने का वो मौका मिलता है। तो ये इवेंट जो आज केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में जो कला उत्सव के ऊपर जो इवेंट रखा गया है, आज से पहले भी आपने इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया कि फर्स्ट टाइम है आपका? सर मेरा केवी में फर्स्ट टाइम है तो मैं यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम आई हूं। आज से पहले आपने इस तरह के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट नहीं किया था? नो सर, केवी इज फर्स्ट टाइम। ओके थैंक यू बेटा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।